दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जैसे कि एम आई का रेडमी नोट 7, नोट 7 प्रो, नोट 7 एस ये तीन चार मॉडल जो एक से होते हैं, इसका सेम प्रोसेस होता है। जैसे कि इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम थी, तो इसकी चार्जिंग की प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया मैंने इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप नहीं किया गया। तो इसमें आपको परेशानी दो या तीन तरीके से आती है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने चार्जिंग पिन को अपने चार्जिंग पिन में लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर करंट हमारे यहाँ परफेक्ट तरीके से आता है, यहाँ पर बैटरी कनेक्टर पर भी आता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा फ़ोन चार्ज नहीं होता। सेकंड में बात आती है कि हमारा जैसे कि किसी भी तरीके से यहाँ तक हमारा करंट आ रहा है फ़ोन में, उसके बाद यहाँ पर हमारा करंट नहीं आ रहा। तो इसका दो सिचुएशन में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका फ़ोन वाटर डैमेज है, तो ये वाटर डैमेज की वजह से प्रॉब्लम आती है। अगर इसमें वाटर डैमेज हो जाता है शायद, और अदरवाइज वैसे भी आ सकती है, कह नहीं सकता। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, टाइम बिल्कुल भी खर्च नहीं होगा। यहाँ पर हमारी देखिए एक आईसी होती है, यहाँ पर हमारा एक कंपोनेंट यहाँ हो गया और एक यहाँ पर हमारी आईसी हुई। तो हम सबसे पहले आईसी को रिमूव कर लेंगे दोनों सिचुएशन में। अगर आपको यहाँ तक करंट आ रहा है चार बैटरी कनेक्टर तक, तब भी इसे हम रिमूव कर लेंगे। अगर यहाँ तक करंट नहीं आ रहा तो फिर भी हम इसे रिमूव कर लेंगे। तो अब हमें जंपर कहाँ से कहाँ करना है, इस चीज़ को हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, दो सिचुएशन हो गई हैं। तो सेकंड हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इस आईसी को रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद हमें यहाँ से इस आईसी पे से एक जंपर लेंगे, इस वाली साइड से, इधर से यहाँ से एक जंपर लेंगे और इस वाली साइड को हम यहाँ जंपर दे देंगे दूसरी वाली साइड से। एक बार और जूम करके दिखा देता हूँ मैं, यहाँ से एक जंपर लेंगे, यहाँ दे देंगे, बस इतना काम करना है। लेकिन हमारा यहाँ तक करंट आ रहा है, लेकिन यहाँ से आगे करंट बिल्कुल नहीं आ रहा है, यानी कि बैटरी कनेक्टर तक करंट नहीं आ रहा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तो जंपर दे दिया, लेकिन यहाँ से हमें एक जंपर दे देना है इस वाली आईसी तक। उसके बाद हमारी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगी और जेन्युइन तरीके से फ़ोन चार्ज होने लगेगा। तो इस तरीके से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं प्रॉब्लम को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इससे आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके लिए मैंने उसी तरीके से हमें जंपर लगा दिया है। एक बार हम चेक करेंगे कि देखिए यहाँ पर ये हो गया है कुछ, एक बार हम इसे चार्जिंग पर लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर चार्जिंग परफेक्ट तरीके से पकड़ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसमें छोटी छोटी चीज़ भी काफ़ी सारी मुनाफा देकर जाती है। अगर आप दुकानदार हैं और इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्जिन मिल जाता है।